भंजन मारुति नंद। रील रील जो कुछ है हमारी शूट हो चुकी है, और आपको रील देखना है तो मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप, साइको ब्लॉग्स करके सर्च मार सकते हो, साइको ब्लॉग्स डबल नाइन। तो चलो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड मज़े में होंगे मेरी जान। सो गाइस, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त साइको, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको ब्लॉग्स में। तो एकदम मचाने के लिए फिर से तुम्हारा भाई साइको आ चुका है एक और नया और तगड़ा ब्लॉग लेके। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में बिल्कुल तगड़ा सा मचाने वाले हैं। और देख सकते हो आप मेरे पीछे का व्यू, काफ़ी तगड़ा है। और अभी हम छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, और फिर छिंदवाड़ा पहुंच के मैं दिखाता हूं आपको तगड़े तगड़े से क्या सीन रहने वाला है, क्या सीन नहीं रहने वाला है। हमको कुछ आइडिया नहीं है, बट मैं फुल कोशिश करूंगा कि वीडियो इंटरेस्टिंग हो एंड मज़ेदार हो। सो गाइस, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। ओके गाइस, चलो चलते हैं। A few moments later. तो देखो आप ही लड़के लोग भी जा रहे हैं छिंदवाड़ा में। बहुत बड़ा तगड़ा सीन हो चुका है हमारे साथ, और काफ़ी पब्लिक थी, और हमको बहुत ज़्यादा घूमना था वहाँ पे। सो वहाँ से हम निकल के आ चुके हैं, और मैं बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ आपको। मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ तो दिखाता हूँ आपको, चलो आइए मेरे साथ। देख सकते हो आप मेरे पीछे, बड़ी तगड़ा से हम जो कि सिमरिया पहुँच चुके हैं, और मैं वहाँ पर आपको तगड़े से हनुमान जी का पूरा सारा व्यू दिखाने वाला हूँ अपने हिसाब से। ब्लॉग तो आपने बहुत से देखे होंगे सिमरिया का, बट मैं अपनी तरीक़ा से दिखाऊंगा आपको, और बहुत ही तगड़ी तगड़ी शूटिंग करेंगे हम, और जो कुछ है चलो देखते हैं। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और चलो चलते हैं। तो एवरीवन, बिल्कुल तगड़ा सा हमें यूपी प्रसाद साथ है, हमें ले चुके हैं, और अब हम जाते हैं और थोड़ी बहुत पूजा करते हैं, और फिर दिखाता हूँ आपको तगड़े तगड़े व्यू यहाँ के, और दादाजी के आगे पीछे चारों तरफ का सीन कैसा है यहाँ का दिखाता हूँ। और हमारे साथ हमारे पवन भाई भी है, तो गाइस चलो कंटिन्यू बने रहिए। करण भाई भी हमारे साथ, चलो चलते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। मंदिर के अंदर का तगड़ा सीन हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे अंदर ना तो कैमरा ले जाने दे रहे हैं, ना मोबाइल ले जाने दे रहे हैं, तो कोई ना अंदर का वही ना, पर अपन बाहर का पूरा तगड़ा व्यू दिखाने वाला हूँ तुमको। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और चलो चलते हैं ऊपर, दादाजी को दिखाता हूँ मैं आपको। राम सिया के प्यारे भक्तों के सहारे, तुम देते दिलेरी, तुम बस संकट हरने वाले, तेरे भरोसे बैठा हूँ तुमसे ही उम्मीदें, वरना मेरे अपने भी खुद कर्ज बने हैं सारे। थोड़ा सा भी नाम बने तो सारे दौड़े आते हैं, बिन पैसों की दुनिया में नया रिश्ते जोड़े जाते हैं। तेरे मेरे रिश्ते में न स्वार्थ भरा है कोई, छोटी सी इस दुनिया से धीरे से कटते जाते हैं। काम निकल जाने पे सारे राम राम कह जाते, नाम तेरा लेने से पर काम मेरे बन जाते। साथ में लेना औरों का पर साथ तेरा जरूरी है, बिन तेरे अंधेरों में हम ऐसे ही मर जाते। रहनुमा और सखा मेरा तुम, मैं ही तलाशूं मैं, कोई नहीं यहाँ जिनसे साझा करूँ आंसू मैं। राम के दुलारे मेरा साथ देना हर दफा, साथ तेरे पैर छुपे दर्द मेरे बांटू में। Bye.
हूँ मैं राम, जाने मेरे करम राम बसे है दिल में मेरे, राम बसे लिखाई मैं, राम भक्ति बनूंगा मैं, ले लूं चाहे लाख जन्म आके कभी शायर की किताबें जो तुम खोलोगे, राम कथा के छंदों में तुम नाम मेरा टटोलोगे, माना ना महान मैं जैसे राम दूत के, राम बसे है पर दिल के सारे कोनों में, भार पड़ा दुखों का हल्का तेरा जीव भी, प्रभु ये उठा लो भार जैसे हाँ संजीवनी, औरों पे भरोसा ना तुमसे है उम्मीद पर, नाम तेरा जपे पापी मेरी जीव भी, साफ होगा दिल ना मेरा गंगा जल जो पी लूं मैं, काले युग में रह के भी तेता थोड़ा जी लूं मैं, खून जो बाहर डाला तो दिखेगा वो मैला ही, काले युग का प्राणी हूँ तो छाती क्या ही चीरू मैं, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी, भक्ति भाव से जाऊं तो है कर दुखों से। तो गाइस बहुत ही तगड़ा सा सीन है यहाँ पे, चारों तरफ बस मंदिर ही मंदिर और हरियाली हरियाली, और यहाँ पे बैठने की भी काफ़ी तगड़ी व्यवस्था है। तो आपको कभी घूमना हो तो आप सिमरिया आ सकते हैं, और भगवान हनुमान जी दादा जी का भी दर्शन हो जाएगा आपको, और आप घूम भी सकते हैं, और तगड़ी सी सीन है यहाँ पे। और बस चारों तरफ बस मतलब यहाँ आके इतना सुकून मिलता है दिल को, कोई भी मंदिर अगर आप जाओगे तो लगता है कि नहीं कुछ तगड़ा सा, मतलब आप तो समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और 101 फीट की मूर्ति आप देख सकते हो, कैमरे में कैद तक नहीं कर पा रहे हैं, इतनी मतलब इतनी ऊंची है, आप सोच सकते हो, आके देखोगे तब पता लगेगा कि नहीं कैसा सीन है यहाँ का। तो कभी घूमना हो तो ज़रूर आइए, सिमरिया छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और आपको दिखाता हूँ और आगे के तगड़े तगड़े सीन। सो चलो चलते हैं। थोड़ा जीलू में खून जो बाहर डाला तो दिखेगा वो मेला ही, काले युग का प्राणी हूँ तो छाती क्या ही चीरू में, साफ होगा दिल ना मेरा गंगा जल जो पी लूं मैं, काले युग में रह के भी तेता थोड़ा जीलू में खून जो बाहर डाला तो दिखेगा वो मेला ही, काले युग का प्राणी हूँ तो हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन। तो गाइस फाइनली जैसा कुछ है, हमने घूम चुके हैं पूरा सिमरिया, और अब हम घर जाने वाले, रील रील जो कुछ है हमारी शूट हो चुकी है, और आपको रील्स देखना है तो मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप, साइको ब्लॉग्स करके सर्च मार सकते हो, साइको ब्लॉग्स 99। तो चलो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी चलते हैं। मैंने स्वार्थ भरा है कोई छोटी सी इस दुनिया से, धीरे से करते जाते हैं काम, निकल जाने पे सारे राम राम कह जाते, नाम तेरा लेने से पर काम मेरे बन जाते, साथ में लेना औरों का पर साथ तेरा जरूरी है, बिन तेरे अंधेरों में हम ऐसे ही मर जाते रहनुमा और सा... So guys, एकदम फुल पावर की मैं घर पहुंच चुका हूं, और वीडियो को करते हैं खत्म। तो गाइज वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा कैसे नहीं लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आगे आप चल के आपको कैसे वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, ओके मेरी जान। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, ओ बाय।